الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه। एक साहिब सवाल करते हैं कि क्या दुल्हा खुद अपने निकाह का खुतबा पढ़ सकता है या नहीं। याद रहे उलमा ये इजाज़त देते हैं कि यकीनन दुल्हा खुद अपने निकाह का खुतबा पढ़ सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, मगर ये कि दुल्हे के अंदर इतनी सलाहियत है कि खुतबा निकाह कैसे पढ़ते हैं, निकाह का खुतबा कैसे पढ़ा जाता है, उसके कवायद शराइत मसाइल से वाकफियत रखता हो, उसके अंदर इतनी सलाहियत हो खुतबा पढ़ने की, तो यकीनन वो अपने निकाह का खुतबा खुद पढ़ सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। इसके अलावा हर कोई अपने निकाह का खुतबा नहीं पढ़ सकता। जिसको इतना नहीं पता कि निकाह का खुतबा कैसे पढ़ते हैं, उसके मसाइल क्या हैं, उसके कवायद क्या हैं, शराइत क्या हैं, जिसके अंदर खुतबा निकाह पढ़ने की सलाहियत नहीं है वो अपने निकाह का खुतबा नहीं पढ़ सकता। लेकिन जिस दुल्हे के अंदर सलाहियत है, मालूमात है, वाकफियत है, इल्म है उसको इस चीज़ का, तो यकीनन दुल्हा खुद अपने निकाह का खुतबा पढ़ सकता है, उलमा इसकी इजाज़त देते हैं, काजी की मौजूदगी में भी, काजी की गैर मौजूदगी में भी। जो खुतबा निकाह पढ़ाने की सलाहियत रखते हैं उनकी मौजूदगी में या उनकी गैर मौजूदगी में भी दुल्हा खुद अपने निकाह का खुतबा पढ़ सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को नेक आमाल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिजाहिन नबी सय्यिदिल मुरसलीन ताहा व यासीन।